विदिशा के सिरोंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जयवर्धन सिंह के द्वारा गौशाला का लोकार्पण करने का मुद्दा अब गर्माने लगा है। क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने गौशाला के लोकार्पण पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता बीजेपी के विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए जनता के सामने झूठा दिखावा करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में आकर कांग्रेस को जो तमाचा मारा उससे कांग्रेस नेता हताश है। दरअसल भोरिया गांव से पहले से संचालित गौशाला का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जयवर्धन सिंह ने किया था, जिसे बीजेपी विधायक ने नौटंकी बताया। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोरा गए, मैं कहना चाहता हूँ उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका। मुझे ऐसा लगता है कि आनंद फानंद में जो सत्ता उनने हत्याई है, जबरदस्ती जो सत्ता हत्या ली है, पूरे समूचे प्रदेश के कांग्रेस जनों के खिलाफ कार्रवाइयों का एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको अलग अलग स्वरूप देने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कहीं पर पत्थरबाजी का नाम दिया जा रहा है, कहीं कुछ और समूचे प्रदेश के कांग्रेस जनों के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बोरा गए हैं। और अगर किसान का बकाया होता है 10-20 हज़ार का डीपी का, तो डीपी उतार लेते हैं, केस दर्ज कर लेते हैं, ये तो सबसे बड़ी विडंबना है। और अब जो एक ऐसी संपत्ति जो सबसे महत्वपूर्ण किसान के लिए होती थी, उसकी जमीन अब मोदी जी की पूरी निगाहें उस पर आ गई है। मैंने भाषण में भी कहा कि इंदिरा जी ने कृषि का राष्ट्रीयकरण किया था, और अब मोदी जी कृषि का निजीकरण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति किसान का शोषण करेंगे। गायों के गोग्रास के लिए, घास भूसा के लिए दिया गया है, काम प्रारंभ होने के बाद भी काम नहीं, एक तरह से वो शुरुआत होने के बाद भी उसका फर्जी उद्घाटन करना, ये कांग्रेस नेतृत्व की सत्ता की जो हताशा है उसमें किसी प्रकार से संतोष मिले, हमें भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसी उनकी फर्जी भूमि पूजन के शिलान्यास, भूमि पूजन उसके